आप किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हो, उसे पटाना चाहते हो, किसी भी अनजान लड़की को सेट करना चाहते हो या एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड ही पाना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको तीन गुरु मंत्र बताने वाला हूँ। मंत्र मतलब भाई कोई जादू टोना नहीं बताने वाला हूँ, तीन सिंपल से स्टेप बताने वाला हूँ जिनको आप ध्यान से सुनोगे और उनको फॉलो करोगे तो हो सकता है जिसे आप पटाना चाहते हो वो आपसे इजिली पट जाए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे चलते अपने सबसे पहले मंत्र यानी सबसे पहले स्टेप की तरफ, जो है क्रिएट एटमोस्फेयर। भाई लड़की को पटाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, कोई बड़े बड़े तीर नहीं मारने पड़ते, बस एक माहौल बनाना पड़ता है, फिर माहौल के हिसाब से लड़की को उसमें ढालना पड़ता है। अब एग्जांपल के लिए आप किसी लड़की को चाहते हो और वो लड़की आपकी दोस्त है या दोस्त नहीं भी है, लेकिन उस लड़की से आपकी हाय हेलो या हाउ आर यू होती है और आप सोच रहे हो यार इस बंदी को कैसे सेट करूं या कैसे प्रपोज मारूं, तो भाई इसके लिए आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा और माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल ऐसा बना दो कि बंदी आपके पीछे खुद पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि बंदी सोचे यार ये बंदा कब बोलेगा मेरे से, इतने दिन हो गए बोलता क्यों नहीं है यार ये। अब भाई सिचुएशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, माहौल कैसे बना सकते हो, तो भाई सबसे पहले एक बात यहाँ गांठ बांध लो, माहौल आपकी बातें बना सकती है और माहौल आपकी हर एक एक वो बात बना सकती है जो लड़की का दिल जीत सकती है, क्योंकि भाई इंसान ना बातों की खाता है। अगर आपकी बातें अच्छी और आपको बात करने का टैक्ट है कि कौन सी बात कब कहाँ और कैसे बोलनी है, तो भाई बंदी के आप अपने पड़ोस वाली भाभी भी सेट कर लोगे और वो आपसे खुल के बुल्ले लुटवाएगी जो आपके हिसाब से सही नहीं है। तो भाई अगर आप किसी बंदी को अपना बनाना चाहते हो तो माहौल भी आपको बनाना पड़ेगा और सिचुएशन भी आपको बनानी पड़ेगी। माहौल आपकी रोमांटिक बातें बनाएगी और सिचुएशन फिर आप बनाओगे। तो भाई माहौल बनाओ और सिचुएशन बनाओ, बीज भी आप ही बोओगे और बाद में फल भी आप ही खाओगे। और एक बात भाई कान खोल के सुन लो, लड़कियों को ना कभी भी प्रपोज मत मारा करो। प्रपोज मारते हो तो भाई लड़कियां फ्रेंड जोन कर देती हैं। जब दोस्त बना के ही सब कुछ हो रहा है तो भाई गर्लफ्रेंड क्यों बनाना, जब सारा काम हो रहा है बंदी ऐसे ही सेट है तो क्यों रायता फैला रहे हो भाई। और अगर किसी बंदी को सेट करना है तो किसी अनजान बंदी को सेट करो, जो पहले से ही सेट करी कर आई है उसे क्यों सेट कर रहे हो। अब भाई आप बोलोगे अनजान बंदी को कैसे सेट करें, अब भाई अनजान बंदी को आप कई तरीकों से सेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे आई कॉन्टेक्ट करो, सेकंड उसे माहौल में डालो। माहौल में ढालने का मतलब है भाई जहाँ पर हो आप उस सिचुएशन में खुद भी ढल जाओ और उसे भी ढाल लो। माहौल में ढालने का मतलब है भाई अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से ढल जाओ, अगर आप बैंक में हो तो बैंक के हिसाब से ढल जाओ, अगर आप किसी हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल के हिसाब से ढल जाओ, अब अगर बस स्टैंड पर खड़े हो तो बस स्टैंड के माहौल से ढल जाओ। लड़की को वहां बोलो यार इस नंबर की बस चाहिए थी, इस नंबर की बस कब आती है, और बोलो यार जिस दिन जो बस चाहिए होती है उस दिन वो आती नहीं है। और अगर बैंक में हो तो भाई बैंक के माहौल के हिसाब से ढल जाओ। लड़की को बोलो यार मैं अपनी पासबुक में एंट्री करवाने आया था, क्या आज हो जाएगी, क्योंकि जब भी एंट्री करवाने आओ तो ये बोलते हैं आज एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि मशीन खराब है। और अगर आप हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ भी बोल दो कि यार ये रूम नंबर किधर है या ये टेस्ट किधर होता है। लेकिन भाई यहाँ पर मुद्दे की बात ये है आप उससे नंबर कैसे मांगोगे। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि लड़की अगर आपको बार बार देख रही है ना तो उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, वो आपको नंबर दे देगी अगर आप सही से मांगोगे तो। और यहाँ पे एक गलती मत करना, लड़की को अपना नंबर मत देना, लड़की से उसका नंबर लेना। अगर आप अपना नंबर देते हो तो भाई लड़की आपको 80% चांस है कॉल नहीं करेगी, क्योंकि बाद में लड़कियों में ईगो आ जाता है और बहुत सारी वजहें होती है भाई, पूरी वीडियो बन सकती है इस चीज पे कि लड़की नंबर लेती है तो कॉल क्यों नहीं करती। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरे मंत्र यानी दूसरे स्टेप की तरफ, जो है शेड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द गर्ल। भाई आजकल की जो लड़की है ना ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लड़कों से सेट होना मांगती है, मतलब उन्हीं लड़कों से सेट होना चाहती है जो लड़के अपने आप को इनके हिसाब से हर माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो सेकंड स्टेप है ना शेड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द गर्ल, ये तब तक ही करना जब तक लड़की आपसे सेट नहीं होती और लड़की जब तक आपसे कंफर्टेबल नहीं होती। लेकिन जब बंदी आपसे सेट हो जाए, वो आपसे कंफर्टेबल हो जाए, फिर लड़की के हिसाब से एडजस्ट मत होना, लड़की को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। भाई लड़की के हिसाब से क्या एडजस्ट हो रहे हो, कोई कठपुतली थोड़ी हो जो एडजस्ट कर रही है तो आप हो रहे हो, नहीं, थोड़ी अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब भाई ये जो सेकंड पॉइंट है शेड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द गर्ल, इसमें आपको करना क्या है जिससे आप अपने आप को लड़की के हिसाब से एडजस्ट कर सकोगे। इसमें आपको जानना है लड़की को क्या पसंद है क्या ना पसंद है और क्या बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और क्या कम अच्छा लगता है, यानी कि ये सब चीजें आप एक म्यूचुअल फ्रेंड से जान सकते हो जो उसका और आपका दोनों का दोस्त है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने तीसरे मंत्र की तरफ, जो है ऐड क्वालिटीज इनसाइड यू वो गर्ल्स लाइक इट। इसका मतलब है भाई अपने अंदर वो क्वालिटीज ऐड करो जो लड़कियां पसंद करती हैं, जो लड़कियों को लड़कों में अच्छी लगती हैं। अब वो क्वालिटीज क्या है जान लेते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है भाई पैशन। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि जिनके अंदर एक जुनूनियत होती है ना लड़कियां उनकी दीवानी होती है। दूसरी क्वालिटी है भाई कॉन्फिडेंस, क्योंकि हर लड़की चाहती है उसका जो बॉयफ्रेंड हो ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। अब सपोज करो यहाँ पे दो बंदे हैं, एक बंदा दिखने में अच्छा है, दूसरा बंदा दिखने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो दिखने में अच्छा नहीं है उसे बात करना बहुत अच्छी आती है क्योंकि
उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और जो दिखने में अच्छा है उसे बात करना उतने अच्छे तरीके से नहीं आती, वो अपने बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। अब सपोज करो ये दोनों बंदे सेम लड़की को प्रपोज करने जाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट था वो अपनी बात को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस। लेकिन जो बंदा स्मार्ट नहीं था वो बंदा लड़की के पास गया, उसने अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाला और उसने बंदी से एकदम खुलकर बात कर ली बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो भाई यहाँ बंदी किसे सेट होगी? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस था, जिसने अपनी बात को उससे सही से एक्सप्लेन किया। तो भाई कॉन्फिडेंस चाहे सुनने में बहुत छोटा वर्ड है लेकिन है बहुत बड़ा। और जब कोई अनजान लड़की आपसे बार बार आई कॉन्टैक्ट करती है और जब आप उससे बात नहीं कर पाते हो तो ये झलकाता है कि भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और जब आप घर पे आते हो तो सोचते हो अब मौका मिले अब तो मैं ये कर दूं, अब तो मैं वो कर दूंगा। नहीं भाई, आप कुछ नहीं कर पाए, आप नकली हो। तो मेरे भैया कॉन्फिडेंस लाओ। कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? वीडियो का लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। और तीसरी क्वालिटी है भाई सेंस ऑफ ह्यूमर। जिन लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है लड़कियां उनके पीछे पड़ती है। और चौथी क्वालिटी भाई कड़क लौंडा क्वालिटी। भाई आजकल की जो लड़कियां हैं ना ये उन लड़कों पे मर मिटने को तैयार हो जाती हैं जो कड़क लौंडे होते हैं और जो सख्त लौंडे होते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो भाई लड़की आपके पीछे एक बार नहीं 10 बार पड़ेगी। अब ये कड़क लौंडा और सख्त लौंडा कैसे बन सकते हैं, उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में नोटिफिकेशन आती है उसे प्रेस करो। उसे प्रेस करने से यही होगा, मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपके पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस तरह की लड़की पटाने से रिलेटेड वीडियोस और ज्यादा देख पाओगे। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, एक लाइक करके जाया करो भाई, क्या जाता लाइक करने में। और अगर दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हो तो यार कर दिया करो, प्लीज कर दिया करो यार। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दो, मुझे अच्छा लगेगा उसका जवाब देने में। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।